मोहतरम मैनेजर साहब, जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब, मेरे साथी और यहाँ जो गेस्ट बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चों, आपका एंटरटेनमेंट तो बहुत अच्छा। मैं भी थोड़ी सी हिदायत देता हूँ आपको, और प्लीज़ आपकी रिक्वेस्ट है, उसको ध्यान से सुनिएगा, और ये सुनने की चीज़ नहीं है, इसको अमल करना है। अगर मैं यहाँ पर सीढ़ी पर खड़ा हूँ और दो स्टेप ऊपर खड़ा हूँ और मैं वहाँ से कूदूँ, सिर्फ दो स्टेप से कूदूँ, तो मुझे चोट लगेगी या लगेगी? नहीं लगेगी। ये चोट इसलिए नहीं लगेगी कि आप सिर्फ दो स्टेप ऊपर हैं, ये इसलिए चोट आपको नहीं लगेगी, आपका 100% नॉट 99% आपका फेथ है कि आप यहाँ से गिरकर आप यहाँ से जब कूदेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगा। ये आपका 100% नॉट 99, ये आपका 100% फेथ है, जो आपको वहाँ गिराएगा नहीं, आपको बचाएगा। वहाँ दो सीढ़ी और 10 सीढ़ी की बात नहीं है, आपका 100% फेथ है। एक छोटी सी कहानी बस सुनाता हूँ आपको मैं। एक महात्मा थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनकी हड्डियां को लेकर एक ग्लास के केस में रखा और उसको उन्होंने एक म्यूजियम में रखा, क्योंकि वो सेंट थे, महात्मा थे वो, तो वहां पर लोग क्या करते थे, श्रद्धालु हफ्ते में एक दिन आया करते थे और आके वो ग्लास के अंदर जो उनकी हड्डियां थी उस ग्लास के केस को टच किया करते थे। जो बीमार लोग आया करते थे वो आके टच करते थे और वो ठीक हो जाते थे, क्योंकि वो सेंट की महात्मा की हड्डियां थी वो। इस तरह से सालों से चलता रहा, बहुत लोग आते थे। एक टाइम कुछ दो चार लोग थे, दोस्त थे, उन्होंने सोचा है ये तो बहुत लोग आते हैं, कुछ खुराफाती दिमाग के लोग थे वो, उन्होंने सोचा है हड्डियों को पार कर लो। उन्होंने रात में प्लान बनाया और रात में उन्होंने वहां चुपके से घुस गया और वो पूरा शोकेस उठा लिया और वो महात्मा की हड्डियां ले गए। जब सुबह वो खुला, मंदिर खुला वो, तो वहां पर जब लोग पहुंचे वहां के तो देखा उन्होंने वहां तो शोकेस ही नहीं था, ना हड्डियां ना शोकेस। अब वो बड़े परेशान हुए कि बाहर लाइन खड़ी है श्रद्धालुओं की और अब हम क्या जवाब देंगे उनको। आपस में सोच विचार किया तो उन्होंने ये डिसाइड किया, भाई हम जाके ये कहते हैं जो बाहर लोग खड़े हैं कि आज महात्मा जो हैं वो उनका कुछ संदेश आया है कि वो आज किसी से मिलना नहीं चाहते और वो दो दिन बाद मिलेंगे। आज उन्होंने लोगों से कहा, लोगों का यकीन था उन पर, लोग चुपचाप चले गए। अब वो सोचते रहे क्या करें, दो दिन गुजर गए किसी को समय भी नहीं आया। एंड में दूसरे दिन एक ने कहा, भाई एक काम करो, अभी ना पड़ोस में एक आदमी था उसका मर्डर हुआ है, उसकी हड्डी है मेरे पास, वो हड्डी रख देते हैं शोकेस में बनाकर, क्या पता चलेगा किसी को। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब टाइम तो है नहीं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्या करें। उन्होंने उस मर्डर की जिसने कत्ल किया था उसकी हड्डियां शोकेस में रखकर हमारा रख दी। अगले दिन लोग आए, टच करा, किसको टच किया, उस शोकेस को जिसने उस मर्डर की हड्डियां थी। टच करते रहे, जो जो टच करते रहे सब ठीक होते रहे, तो सेंट की हड्डियों को भी टच करके सही हो रहे थे और वो मर्डर की हड्डियों को भी टच करके सही हो रहे थे। क्या चीज थी वो, हड्डियां नहीं सही कर रही थी उनको, उनका फेथ था उसके अंदर जो उसको सही कर रहा था वो। और यकीन मानिए आप, इंसान का दिमाग जो है, आपका जो दिमाग है वो आपकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, ना कि आपकी बॉडी आपको माइंड को कंट्रोल कर रही है। दसियों रिसर्च हो चुकी है, पहले रिसर्च में ये शुरू में कहा गया था कि आदमी मैक्सिमम 8 या 10 दिन तक भूखा रह सकता है। जब तक ये रिसर्च हुई और किताबों में लिखा जा चुका था कि 8-10 दिन से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता, उस जमाने में जितने लोग किताब पढ़ते थे और उन लोगों में कहीं ऐसा का अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होता, अर्थक्वेक आते थे, एफएमआई पड़ता था, तो क्योंकि उन लोगों के दिमाग में घुसा हुआ था कि इंसान 8 और 10 दिन से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता। बकायदा पर रिसर्च हुई, वो लोग 8-10 दिन के बाद मर जाया करते थे वो, क्योंकि उनका फेथ था कि 10 दिन के बाद हम जिंदा रह ही नहीं सकते। और जब ये रिसर्च हुई कि नहीं, इंसान 10 दिन नहीं 20-30 दिन तक भी भूखा रह सकता है, उसके बाद कई ऐसे केसेस हुए जिसमें अर्थक्वेक आए, फेमाइंस पड़े, डूब गए लोग जहाजों में, लेकिन वो 20-20 दिन तक सर्वाइव कर गए, क्योंकि उनका यकीन बन चुका था नहीं, इंसान 10 दिन नहीं 20-25 दिन भी जिंदा रह सकता है। ये उनका यकीन था जो उनको जिंदा रख रहा था। आप दुनिया में मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं प्रोफेसर जेम्स, उनका कहना है कि इंसान के दिमाग की कोई लिमिट नहीं है, आपका दिमाग लिमिटलेस है, उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहे दुनिया में कर सकते हैं, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है कि जो आप करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस फेथ के लिए आपको क्या करना है, आपको सोच पैदा करनी है। आप सोच पैदा करेंगे, आपके थॉट पैदा होंगे, वो थॉट आप मुस्तकिल अपने दिमाग में लाते रहें, जब तक लाते रहें जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए, और जिस दिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करने लगेगा, और फिर वो माइंड जिसने आपने वो सोच डाल रखी है वो सोच आपके से काम करवाएगी। कभी भी आप यहाँ जब दोपहर में स्कूल के बाद घर जाते हैं
कितने लड़के बैठे हुए हैं आज तक, कोई यहाँ दोपहर से अपने स्कूल से घर गया होगा, कोई भी बच्चा किसी के घर में नहीं घुस गया होगा, सब अपने अपने घर में घुस होंगे, और कोई ये सोच के नहीं आता कि बाहर एक कॉर्नर है, एक पर आया है, मैं राइट पे मुड़ूंगा, फिर मैं आगे जाके पार्क पे लेफ्ट पे मुड़ूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा राइट पे मुड़ूंगा, कुछ नहीं सोचते आप। और आप सब बच्चे अपने घर में घुसते हो, क्यों आप अपने घर में घुस रहे हो, क्यों किसी के घर में नहीं घुस जाते, जबकि आप कॉन्शियसली सोच के नहीं निकलते कि हमें कहां मुड़ना है, राइट पे मुड़ना है, लेफ्ट पे मुड़ना है, क्योंकि आपकी माइंड, आप 10 साल से यहां आ रहे हैं, आप वो काम करते करते आपकी हैबिट बन गई है, और वो हैबिट आपसे अनकॉन्शियसली काम करवा रही है, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही आप अपने दिमाग के अंदर थॉट डालें, एक बीच जिंदा होता है लेकिन वो जीता नहीं है, उसके पास लाइफ होता जिंदा है लेकिन वो जिंदगी नहीं गुजार रहा होता। जिंदगी किस दिन गुजारता है, जिस दिन हम उस बीज को मिट्टी में बो देते हैं, और मिट्टी में बोने के बाद उसको वो एनवायरमेंट मिलता है, जो एनवायरमेंट उसके लिए जरूरी था वो मिट्टी में आने के बाद जीना शुरू करता है, हालांकि वो पहले भी जिंदा होता है लेकिन जिंदगी नहीं जी रहा होता। आपके अंदर भी सारे क्वालिटीज हैं, आपके अंदर हर चीज मौजूद है, आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दे रखा है, वो दिमाग जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप प्लीज अपने आप को पहचाने, अपने दिमाग की पावर को पहचाने, आप दुनिया में तहलका मचा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई आपको नहीं बदल सकता, सिर्फ एक चीज आपको बदल सकती है, वो आप खुद हैं और आपकी सोच है। आप अपनी सोच को बढ़िया रखो। सलाम साहब ने क्या कहा, ख्वाब देखो, आदमी सोचता है रात में सो जाऊंगा ख्वाब देख लूंगा, वो ख्वाब नहीं, आप आंख खोल के ख्वाब देखो, आप खोल के ख्वाब देखो, आप खोल सोने पर नहीं, आंख बंद करके नहीं, आप खोल के ख्वाब देखो आप। और ख्वाब का मतलब क्या है, आप अपने टारगेट बनाओ जिंदगी के अंदर, और जो आप टारगेट बनाओगे, दो एक्शन होते हैं, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री दोनों अगर एक डायरेक्शन में काम करेंगे, और आपने परेशानी आएंगी आपके साथ, कोई काम आसानी से नहीं मिलता, ये कोई 20-20 गेम नहीं चल रहा कि 20 ओवर में खत्म हो जाएगा, आपको जिंदगी में 5 डे खेलने हैं, 20 डोज नहीं खेलना आपको, आप वो 5 डे मैच टेस्ट मैच खेलने के लिए आप प्लान बनाओ, आप अपने दिमाग के सोच को सही करो और फिर उसके ऊपर से आप काम करो, आप हमेशा कामयाब होंगे, क्योंकि अगर आपने अपने सोच सही कर ली, पॉजिटिव कर ली, और अगर आपके पास यकीन है 100% आपको अपनी बिलीफ है आपको कि आप क्या करना चाहते हैं और आप वो जो करना चाह रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं, आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपको सिर्फ अपनी सोच सही करनी है, आपकी बॉडी खुद ब खुद उसके डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी। आपको हमेशा याद रखना बच्चों, अपनी सोच को सही करो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग आपकी बॉडी कंट्रोल करेगा और आपकी लाइफ बन जाएगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।